ठीक है, कल जो हमने किया था वो हमने किया था बायोफ्लॉग बेसिक डिस्कशन एंड इम्पोर्टेंस उसका। आज जो हम करेंगे वो करेंगे दिस टॉपिक, स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर द बायोफ्लॉग। अभी तक कुछ डाउट हो तो आप मुझे बताओ, नहीं सर, कुछ नहीं। और अभी कैसा वेदर है वहां का? अभी अच्छा है सर, अभी पानी का टेम्परेचर भी 18 पहुंच गया अभी। अच्छा, तो 24 आवर्स 18 रह रहा है या अप डाउन है अभी? नहीं, वो नाइट में 14 रहता है, ओके, और 14 18 के बीच में वही है। ओके, तो हो जाएगा मतलब धीरे दस धीरे। ठीक है। 15 दिन के बाद ठीक रहेगा इधर। ठीक है, ये टाइम निकल जाने दो अपना, एक बार बेटर हो जाएगा तो अच्छा है। तो आज हम अपना बेसिक बायोफ्लॉक को समझेंगे और कैसे हम वाटर प्रिपरेशन पे जाएंगे वो करेंगे। कल हमने जो किया था, अपने सारे पैरामीटर हमने डिस्कस किए थे और जो अपना इम्पोर्टेंस है उन पैरामीटर की, क्योंकि देखो बाद में पोस्ट प्रोडक्शन तो हम कितना भी टेक्निक लगा सकते हैं कि आपने अपना हार्वेस्ट किया, या तो आप उस फिश को अपने फार्म से ही सेल कर दो, या अपने रिटेल शॉप से सेल कर रहे हो वहां से आप सेल कर दो, या उसके फिलेट्स वगैरह बना के आप आगे उसको प्रोसेस करके और उसका कॉस्टिंग निकाल सकते हो। पर इनिशियल की जो मॉर्टेलिटी है, अगर हम उसको कंट्रोल करें तो प्रोडक्शन तो खुद ही बढ़ जाएगा। एक फार्मर ने 2 लाख सिंघी का बच्चा डाला, 6 महीने के बाद जब उसने निकाला तो उसमें मुश्किल से 25 से 30 हजार बच्चा, 35 हजार बच्चा, 40 हजार बच्चा, सिर्फ इतना ही बच्चा था। तो अब इसमें पोस्ट प्रोडक्शन क्या करेंगे जब हम जो प्रोडक्शन के टाइम पे कंट्रोल कर सकते थे, क्योंकि वो आपका कोर प्रॉफिट है। अगर आप उसी मॉर्टेलिटी को, उसी सर्वाइवल को बढ़ा लेंगे, जनरली फार्मर क्या सोचता है कि मैं 10 हजार बच्चा स्टॉक करूं, 20 हजार बच्चा स्टॉक करूं, उससे बेटर है कि कम बच्चा अपना स्टॉक करें और उसका जो वेट है, जो एवरेज वेट है, वो हम ज्यादा लेके जाएं, जिससे आपको भी मालूम है कि अगर वेट हमारा अच्छा होगा तो प्राइसिंग ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जिस पंगास को आप 1 किलो 1200 ग्राम 1500 ग्राम का बेचोगे और जिस पंगास को आप 600 ग्राम 700 ग्राम बेचोगे, तो रेट का डिफरेंस बहुत बड़ा होगा। सेम तिलापिया के साथ है, जो 150 ग्राम 200 ग्राम की होगी उसका साइज अलग है, जो 300 ग्राम 400 ग्राम है उसका साइज अलग है, जो 600 से 800 ग्राम है उसका साइज अलग है। पर जब आप स्टॉकिंग अपना प्रॉपर करोगे तभी फिश अपना साइज ले पाएगा, चाहे वो बायो फ्लॉक में हो, चाहे वो अर्दन पॉन्ड में हो, चाहे वो सीमेंटेड टैंक में हो। तो अब सबसे पहला जो टॉपिक मुझे आपको बताना है, जो आपके कल्चर में प्रॉब्लम आया वो था मेन प्रोबायोटिक का, है ना, कि प्रोबायोटिक हाँ था नहीं था, उसने कैसे काम किया नहीं किया। नाम पे मैं अभी नहीं जा रहा हूं, आप कोई सी भी कंपनी का यूज करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ना मैं आपको बोल रहा हूं कि आप ये वाला लो वो वाला मत लो, मैं आपको बोल रहा हूं कि सिर्फ आप अपने वाटर पैरामीटर पे फोकस करो। धीरे 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 नेचर जैसे जैसे शेप लेगा, विद इन 3 to 6 वीक में वहां एक हेल्दी इकोसिस्टम मेंटेन हो जाएगा फॉर स्टॉकिंग द फिश। चाहे वो आप तिलापिया करें, चाहे वो पंगेशियस करें, चाहे वो आप कॉमन कार्प करें या बिग हेड करें। ठीक है, तो जब भी हम ठीक बायोफ्लॉक की बात करते हैं, तो बायोफ्लॉक की जब भी बात होगी तो सबसे पहले जो बैक्टीरियाज उसमें आएंगे वो हैं आपके बेसिलस ग्रुप के। तो जब भी आप कोई भी प्रोबायोटिक परचेस करें तो उसका डिस्क्रिप्शन देखें कि
क्योंकि बहुत सारी टेक्निक है। एक है नॉर्मल फर्मेंटेशन, आप करके फर्मेंटेड फीड देते हैं तो उसमें आपका कुछ नहीं लगना है, आपको अपना यीस्ट देना, यीस्ट के साथ भी आप उसको फर्मेंट करेंगे तो भी चल जाएगा। दूसरा है आपका एक्वामिमिक्री। एक्वामिमिक्री में भी आपका मोलासिस और प्रोबायोटिक है, पर जब हम किसी पर्टिकुलर प्रोबायोटिक की बात करते हैं, क्योंकि बायोफ्लॉग जो है हमारा वो है हमारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, कि जो हम रोज हमने स्टॉकिंग तो हाई कर दी है, फिल्ट्रेशन हमने वहां से हटा दिया है क्योंकि फिल्टर तो कोई है ही नहीं हमारे बायोफ्लॉक में, तो वो काम कौन करेगा? वो आपका बैक्टीरिया काम करेगा। पर बैक्टीरिया कब काम करेगा? जब वो सारे वाटर पैरामीटर जो हमने अपने सेशन में डिस्कस किए हैं वो आइडियल होंगे। तो कोई ऐसा थंब रूल नहीं है कि मैं आपको लिख के दे दूं कि ऐसा 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 करेंगे तो ऐसा ही होगा। वो डिसीजन अब आप कब ले पाएंगे? जब आपके पास वो वाटर पैरामीटर की रीडिंग्स होंगी, उन रीडिंग पर ही आप डिसाइड करेंगे कि आपको कैल्शियम कार्बोनेट डालना है या नहीं डालना है, आपको मोलासिस डालना है या नहीं डालना है, आपको प्रोबायोटिक ऐड करना है या नहीं करना है। तो एरिएशन पे अगर आप अपना फोकस रखेंगे तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स पे जीत जाएंगे बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे, क्योंकि बायोफ्लॉक बिल्कुल साइंटिफिक अप्रोच पे चलने वाली टेक्नोलॉजी। अगर आप साइंस को समझेंगे तभी आप बायोफ्लॉक को सक्सेसफुल कर पाएंगे। उसके बाद आपको अपना एक्वाटिक एनिमल को समझना है कि ऐसा ना हो कि वहां पे कैनिबलिज्म इतना हाई है कि आपने 500 पीस स्टॉक किए पर कैनिबलिज्म हाई था, बाद में 100 पीस ही आपको मिले। तो ऐसी स्पेशीज भी स्टॉक करते टाइम आप वो सब कैलकुलेशन करें, जैसे कॉमन कार्प है आपका, कि कोई कैनिबलिज्म नहीं है, अगर आपने 500 पीस किए हैं, साइज वेरिएशन हो सकता है पर बाद में भी आपको 500 के 500 पीस ही मिलेंगे अगर पूरे कल्चर में कोई मॉर्टेलिटी नहीं हुआ है। आपस में तो नहीं खाएगा कॉमन कार्प एक दूसरे को, है ना। दूसरा है आप बिग हेड करेंगे, तो बिग हेड के आपने 500 पीस डाले, अगर आपने सारे वाटर पैरामीटर ऑप्टिमल रखे तो वो भी 500 के 500 पीस ही आपको मिलेंगे, साइज वेरिएशन वहां पे हो सकता है। तिलापिया है, तिलापिया के भी आपने 500 पीस रखे तो उनमें भी कोई कैनिबलिज्म नहीं है, आपस में एक दूसरे को नहीं खाते तो वहां भी आपको सारे के सारे पीस मिलेंगे। पंगास में भी यही है, पंगास में भी कोई आपस का कैनिबलिज्म नहीं है कि एक एक दूसरे को खाने लगे। जैसे आप हाइब्रिड मांगुर में है, तो हाइब्रिड मांगुर में क्या है कि शूटर फिश होती है आपके पास। फार्मर क्या करता है कि 10,000 मछलियां डाली, जब वो एट द एंड निकालने के लिए जाता है तो उसको कितना मिला? 3,000, 4,000, 5,000 मछलियां, मरा भी नहीं। और कहाँ गया? कि जो शूटर फिश थी, जो कैनिबलिज्म था, क्या है कि शुरू के ही 15 दिन में कोई ना कोई शूटर फिश ऐसी होगी कि जो 600 ग्राम का वजन आराम से ले लेगी, और जब आपका कोई बच्चा 10 ग्राम, 12 ग्राम, 15 ग्राम का है तो अब आप फीड कब दे रहे हो? सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, उसके बीच में भी टाइम है, धीरे धीरे आप उसको शिफ्ट करोगे कि सुबह शाम कर दोगे, 12 घंटे का टाइम हो गया, तो तब क्या होगा कि वहां पे कैनिबलिज्म आने लगेगा क्योंकि उसको कुछ तो खाने के लिए चाहिए, तो जो भी ढीले बच्चे हैं वो उनको निपटाने लगेगा। जैसे रूपचंद्रा है आपकी, जैसे नटर आप बोलते हैं या पाकू बोलते हैं, तो वो भी वैसी स्पेशीज है आपकी कि वो भी आपस में खाने लगती हैं क्योंकि अब आपका वेरिएशन है। तो वेरिएशन में क्या होगा कि सुबह ठंडा था मौसम, मछली ने खाना नहीं खाया, दोपहर में गर्मी होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसको भी भूख लगेगा, अब उस टाइम पे हमने खाना डाला नहीं तो वो क्या देखेगा कि जो भी वीक बच्चा है वो उसको खाना शुरू कर देगा। अब फार्मर तो अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से लगा हुआ है कि मैंने 500 बच्चे डाले थे, उसी हिसाब से वो फीडिंग दे रहा है, सब काम कर रहा है, पर क्या हो रहा है, उसको वो एट द एंड आउटपुट नहीं मिल रहा क्योंकि बेचारे ने खिलाया भी उसी हिसाब से, सारा इंफ्रा भी उसी हिसाब से रखा, पर जब वो एंड प्रोटेक्शन करने गया, जब हार्वेस्ट करने गया तो वहां से उसको वो नहीं मिला। तो अगर आप ऐसी स्पेशीज के साथ हाई स्टॉकिंग कर दोगे तो ग्रेडिंग भी आपको लगेगी, और जब ग्रेडिंग हम कोई बड़े एरिया में कराते तो हमारा बहुत ज्यादा कॉस्टिंग उसके पीछे जाता है।
क्योंकि जब वो पार्टी आएगी, ग्रेडिंग करेगी, नेटिंग करेगी, और डैमेज भी होगा बच्चा आपका। तो ये सब चीजें सोच समझ के आप उसी हिसाब से कल्चर करें। तो जो आपने प्रोबायोटिक यूज किया, अब वो आपके बायो फ्लॉक के लिए बना था या नहीं बना था? तो मेरा क्लियर कट आंसर है कि वो आपके बायो फ्लॉक कल्चर के लिए नहीं बना था। ठीक है, तो जब भी आप अपने, अब मैं आपको ये नहीं बोलता कि आप कहीं से भी अपना प्रोडक्ट लो, पर जो प्रोडक्ट लेना है आपको, आपको एन नंबर ऑफ प्रोबायोटिक मिल जाएंगे। ठीक है ना? अब इतने सारे प्रोबायोटिक आपको मिल जाएंगे, पर फार्मर को कौन बताएगा कि कौन सा ठीक है, कौन सा ठीक नहीं है? ये देखो कितने प्रोबायोटिक है। ऐसे ही आप जब अपने यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको इतने सारे प्रोबायोटिक मिलेंगे। तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं लेना है, कंफ्यूजन नहीं लेना है, और आपको सिर्फ अपना प्रोबायोटिक में देखना है कि कौन सा बैक्टीरिया हमें चाहिए। शुरू में कोई भी कंपनी मार्केट में हिटरोटॉफिक बैक्टीरिया नहीं दे रही है। आप कितने भी प्रोबायोटिक देखो, सब में बेसिलस ग्रुप, लैक्टोबेसिलस, सब यही होंगे, कहीं पर भी हिटरोटॉफिक बैक्टीरिया नहीं होगा। हम क्या कर रहे हैं, जब अपना वाटर प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस टाइम पर हम कल्चर को रेडी कर रहे हैं कि हमारे जो टैंक में वाटर है उसमें हिटरोटॉफिक बैक्टीरिया जनरेट हो, बने वहां पे। तो उसको इनिशियल में टाइम चाहिए। तो जब भी आप कोई बैक्टीरिया परचेस करें, कोई प्रोबायोटिक परचेस करें, तो उसमें बेसिलस सबटिलिस फैमिली का बैक्टीरिया होना चाहिए, अगर आप एक गुड बायोफ्लॉक करना चाहते हैं। ठीक है? एक सेकंड, तो अबाउट द लिटिल माइक्रोब्स, बेसिलस सबटिलिस एक्वा कल्चर, प्रोबायोटिक्स इन एक्वा कल्चर इज नॉट अ न्यू थिंग्स नाउअडे। सब तरफ आप देखोगे प्रोबायोटिक 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 की कहानी चल रही है। हाउएवर मेनी प्रोबायोटिक्स प्रोडक्ट बीइंग सोल्ड टू एक्वा कल्चर इंडस्ट्री आर नॉट इन फैक्ट ट्रू प्रोबायोटिक्स। कुछ भी उसके अंदर मिलाया, पता ही नहीं कि उसके अंदर है क्या। अच्छी पैकिंग देखी, उसके अंदर क्या है कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है उसका। और ऐसा भी हो सकता है कि शायद उसमें कुछ ऐसे हो कि उसमें आपके एंटीबायोटिक्स वगैरह, चूना, जो बहुत लो कॉस्ट कंपोनेंट हैं आपके, कि जिनको मिला के एक अच्छी पैकिंग दे के फार्मर को दे दिया। फार्मर ने क्या किया, क्या फायदा हुआ, कोई मतलब नहीं। सम स्ट्रेन ऑफ सॉयल बैक्टीरिया डू नॉट हैव अ रिकॉग्नाइज्ड अप्रूवल फॉर फूड ग्रेड प्रोबायोटिक्स। अब बैक्टीरिया की हम बात करते हैं तो हमारे सॉयल में गुड बैक्टीरिया भी हैं, बैड बैक्टीरिया भी हैं। कुछ हम कंज्यूम कर सकते हैं डायरेक्टली, कुछ हम कंज्यूम नहीं कर सकते, पर वो कौन रिकॉग्नाइज करेगा? तो वो सब चीजें भी समझने का जरूरत है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ प्रोबायोटिक्स एंड देयर एप्लीकेशन इन एक्वा कल्चर। उनको समझना है कि किस तरह से आपको देना है। जैसे आप एंटीबायोटिक की बात करें तो हम टेट्रासाइक्लिन यूज करते हैं, जो पीले कलर का पाउडर आता है। आपने यूज किया है अपनी कल्चर में? नहीं सर, नहीं किया है तो मैं गूगल का हेल्प लेता हूँ, क्योंकि गूगल ही एक सबसे सच्चा है कि जो सही चीज बोलेगा, जिसकी बात पे सब लोग आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। तो ये एक इस तरह का आपका आता है टेट्रासाइक्लिन, हाइड्रोक्लोराइड वाटर सोल्यूबल वेट। ये सारा वेटनरी में चलता है, चाहे आप गॉट फार्मिंग कर रहे हो, आप अपना पोल्ट्री कर रहे हो, डेयरी कर रहे हो, हॉर्स कर रहे हो, कैमल कर रहे हो, फिश कर रहे हो, ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, किसी में भी चलता है ये। पर जब आप इसके बैक साइड की देखोगे, तो अगर आप मीट वगैरह के पर्पस से कंज्यूम कर रहे हो,
तो 7 से 15 दिन पहले इसको बंद कर देना होता है कि इसकी डोज बॉडी में ना हो, अदरवाइज वो एक सही कंज्यूम करने लायक मटेरियल नहीं है। पर ये सस्ता है, तो इसकी जगह जो दूसरा आया आपके पास वो आया आपका ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। ये जो है ये आपका अप्रूव्ड है, पर अप्रूव्ड होने से क्या हुआ कि टेट्रासाइक्लिन सस्ता है, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन महंगा है, पर दोनों ही एंटीबायोटिक है। तो एंटीबायोटिक का एक लिमिटेड डोज आपको देना है हमेशा अपने, जब आपको जरूरत हो। जरूरत कब होगी एंटीबायोटिक की, कि जब उसको किसी इंफेक्शन ने पकड़ लिया है। तो आप वैसी कंडीशन आने ही ना दें, तो हमारा बायोफ्लॉक उसमें आपको हेल्प करता है, क्योंकि आप अपने बायोफ्लॉक में कोई भी ऐसी चीज यूज नहीं कर रहे। आपके पास सॉल्ट है, आपके पास मोलासेस है, आपके पास प्रोबायोटिक्स है, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो आप कंज्यूम नहीं कर सकते। सॉल्ट रोज आप कंज्यूम करते हैं, ठीक है। मोलासेस आप अपना एनर्जी सोर्स के लिए रोज लेते हैं, जागरी और शुगर की फॉर्म में। प्रोबायोटिक्स आपका गुड इम्यून के लिए काम करता है। तो जो चीज आप खा सकते हैं डायरेक्टली, वो ही आप अपने एक्वाटिक एनिमल्स को दे रहे हैं, ठीक है। तो जो भी प्रोबायोटिक आप लें, वो लेने से पहले आप समझें कि वो आपके बायोफ्लॉक के लिए बना है या नहीं बना है। तो बेसिलस सबटिलिस का वो होगा आपका, और उसी में कुछ मिसकंसेप्शन है कि पीपल सिंपली पुट ऑल द न्यूट्रिएंट इंग्रेडिएंट, जैसे सोया मील ले लिया, फ्रूट वेस्ट ले लिया, मोलासिस ले लिया, राइस ब्रैन ले लिया, और उनको फर्मेंट करने के लिए रख दिया, कितना 48 से 72 घंटे के लिए, और फिर उसको अपना फर्मेंटेड जो हुआ उसको सीधे पॉन्ड में डाल दिया। तो आपको दो चीजें समझनी है कि आप बायोफ्लॉक कर रहे हैं या आप नॉर्मल एक्वा कल्चर कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि आप बायोफ्लॉक से ही एक्वा कल्चर करें, पर जब आप रेस्ट्रिक्ट हो गए कि मुझे अब बायोफ्लॉक करना है, तो कुछ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। मल्टीपल टेक्नोलॉजी को मिक्स मत कीजिए। दूसरा मिसकंसेप्शन क्या है फार्मर का, मैनी श्रिम्प एंड फिश फार्मर ऑफन थिंक ऑफ प्रोबायोटिक एज फास्ट एक्टिंग मेडिसिन लाइक एंटीबायोटिक्स। दे एक्सेप्ट अ क्विक एंड इंस्टेंट इफेक्ट, दे आर देन डिस्करेज व्हेन दे सी नो इंस्टेंट एंड पॉजिटिव इफेक्ट। इन फैक्ट द चेंजिंग ऑफ बैक्टीरियल कम्युनिटी टेक्स टाइम, इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस दैट रिक्वायर द एडिशन ऑफ द सेलेक्टेड स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया थ्रू आउट द कल्चर पीरियड। द बैक्टीरिया दैट एडेड मस्ट बी सेलेक्टेड फॉर स्पेसिफिक फंक्शन एडेड इन हाई पॉपुलेशन डेंसिटी अंडर राइट एनवायरमेंट टू बी इफेक्टिव। तो अब जैसे हमें फीवर हुआ, बुखार हुआ, डॉक्टर ने हमें एंटीबायोटिक लिखी, 5 दिन में हम ठीक हो गए। अगर हमें वो ठीक नहीं होना था तो हमें क्या करना था, अपना जो डेली फीड था उसमें हम विटामिन सी को इंक्रीज करते, जिंक को बढ़ाते, मल्टी विटामिन बढ़ाते, गुड फूड कंजम्पशन लेते, तो हम 5 दिन अपना नेचुरल इम्यूनिटी पे चले जाते और हम ठीक हो जाते। जैसे जुकाम है आपका, कि जब आपको जुकाम होता है, किसी किसी को बहुत ज्यादा पहले दिन हो जाता है, किसी का 3 दिन के बाद ठीक हो जाता है, कोई स्टीम ले लेके ठीक कर देता है। तो एंटीबायोटिक क्या है कि एक क्विक रिलीफ आपको दे रहा है, पर प्रॉब्लम तो अब भी आपकी बॉडी में ही है। तो क्या है कि फार्मर एक प्रोबायोटिक लिया, 4 दिन 5 दिन उसने अपने पैरामीटर देखे, कुछ फायदा नहीं हुआ, फ्लॉक बनना नहीं शुरू हुआ, उसने डिक्लेयर कर दिया ये प्रोबायोटिक खराब है। तो सारे प्रोबायोटिक्स आप देखेंगे, सारे के सारे प्रोबायोटिक्स एक हैं। सिर्फ फार्मर को वो मेहनत करनी है कि वो राइट वाटर पैरामीटर जो है वो उनको दें, जिससे वो वहां पे सरवाइव कर सके और
और हर एक बैक्टीरिया का जो स्ट्रेन है उसका अपना काम है। जैसे आपको पता है नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोबैक्टर का क्या काम है, बेसिलस सबटिलिस का क्या काम है, उसके अंदर भी मल्टीपल फैमिलीज हैं जो क्या क्या करती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको बायोफ्लॉक करने से पहले समझना चाहिए। ये मैं आपको इतनी ईजिली इसलिए समझा पा रहा हूँ क्योंकि आप पहले इन सब चीज़ों को देख चुके हैं। ठीक है, ठीक ठीक। तो आपका मेन फोकस कहाँ होना चाहिए? आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आपके पानी के वाटर पैरामीटर कैसे हैं। इन पर्टिकुलर कंडीशन सर्टेन स्ट्रेन ऑफ बेसिलस सबटिलिस कैन इवन हैव बेटर एंड इफेक्टिव रोल देन कन्वेंशनल फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया फॉर एक्वाकल्चर बिकॉज ऑफ देयर हाई टॉलरेंस टूवर्ड स्ट्रेस एनवायरमेंट। कौन कौन से? पीएच है आपका, सेलिनिटी है आपका, टेम्परेचर है। तो सारा खेल कहाँ आके जुड़ जाता है? जैसे आपने एक्वाकल्चर की बात करी, आपके पानी पर। तो आप अपने पानी को अच्छा रखो, सब चीजें ठीक रहेंगी। ठीक है, कोई डाउट? ठीक सर। नो सर। दूसरा है आपका कि बायोफ्लॉग बेसिकली है क्या? आप बताओ, आप दो कल्चर कर चुके हैं कि बायोफ्लॉग, मैं बायोफ्लॉग कर रहा हूँ, बायोफ्लॉग कर रहा हूँ। तो बायोफ्लॉग बेसिकली है क्या? मछली पालने को हम बायोफ्लॉग बोल रहे हैं? नहीं सर, उसमें बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया का फॉर्मेशन है इसमें। ठीक है ना, तो मछली पालने को हम बायोफ्लॉग नहीं बोल रहे। द बायोफ्लॉग इज अ कलेक्शन ऑफ गुड बैक्टीरिया एंड रिच प्रोटीन मैक्रो एंड ऑर्गेनिक मटेरियल इंक्लूडिंग प्रोटोजोआ, एल्गी, डेड ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा। तो जो पानी में हमने इतनी हाई स्टॉकिंग कर दी है, अब मछली के पास हमारा जैसा किडनी सिस्टम नहीं दिया है ऊपर वाले ने कि उसको टॉयलेट करना है, तो वहां से वो अपना अमोनिया रिलीज कर दे। हमें वो ब्यूटी दी है, पानी पिया, किडनी से रिलीज किया और आपने अपने सिस्टम को डिटॉक्स कर लिया। पर मछली बेचारी उसी पानी में रह रही है, वहीं पे वो खाना खा रही है, वहीं पे सिक्रीट कर रही है, वहीं पर पूप कर रही है। तो कैसे हम उसको कंट्रोल करें? फिल्ट्रेशन लगाएंगे तो फिल्ट्रेशन की कॉस्टिंग पड़ती है हमें, हमारा सिस्टम महंगा हो जाएगा। तो बायोफ्लॉग के जो फेमस होने का रीजन है वो यही है कि एक नॉर्मल फार्मर भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है, पर नॉर्मल फार्मर को वो साइंस समझना पड़ेगा कि जिससे वो अपने पानी को अच्छा रखे। तो हम यहाँ पे दो चीज का कल्चर कर रहे हैं, एक अपना फ्लॉक का और दूसरा अपना एक्वाटिक एनिमल का। दूसरा है आपका एंटीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स, है ना। जब भी आपने देखा आपकी मछली मर रही है, स्किन पे कुछ इन्फेक्शन हो गया है, फीड नहीं ले रही है, स्ट्रेस में है, तो आपने क्या देना शुरू किया उसको? कि ठीक है यार, हम उसको पोटेशियम परमैंगनेट दे देते हैं, कॉपर सल्फेट दे देते हैं, मल्चिड ग्रेन दे देते हैं कि ठीक हो जाएगी। तो अब उन चीजों को समझना है कि वो प्रॉब्लम आई क्यों। मैंने आपको शुरू में बताया कि जो हमारा आइडियल रेंज है वो 22 से लेके 32 का है, और ये हम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे, ये हम वाटर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो जब हम वाटर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो आपकी मछली, आपको मालूम है कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, तो जब आसपास का एनवायरनमेंट खराब होगा तो सबसे पहले कहाँ उसको प्रॉब्लम होगी? उसको स्किन पे ही प्रॉब्लम होगा। तो क्या होगा उसको? फंगस उसको पकड़ेगा, उसको वाइट स्पॉट डिजीज होगा, उसको आईज देखेंगे तो एकदम फूली फूली सी आईज हो जाएंगे। तो ये सब कहीं के इफेक्ट हैं, ये आपके जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है ये उसके इफेक्ट है। मतलब आपको इस टाइम पर कल्चर नहीं करना चाहिए था और आप उस टाइम पर कल्चर कर रहे हैं।
तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा अगर फार्मर ने 4 महीने कल्चर नहीं किया, क्या होगा? वो अपना पैसा ही सेव करेगा, कुछ लॉस नहीं कर रहा है वो। अगर उसके पास इंडोर कल्चर करने लायक फैसिलिटी है कि वो मेंटेन कर पा रहा है अपना एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, क्योंकि जब भी आप देखोगे कि जब आपका बाहर का मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर आपका 35, 36, 38 है, तो पानी का टेम्परेचर उस टाइम पर 26, 27, 28 इतना होगा। और इस टाइम पर जब बाहर का ही टेम्परेचर 13, 14, और रात में तो और भी कमी होगा, हाँ तो पानी का टेम्परेचर आप सोचो कि कितना होगा। तो जो उसका मेटाबॉलिज्म है वो काम करना बंद कर देता है, वो खाना छोड़ देती है, और खाना छोड़ते ही सबसे पहले क्या होगा, उसको बीमारियां पकड़ने लगेंगी। अब आपको कुछ उसको देना भी है, वो खाएगी नहीं, तो एट द एंड उसको मरना ही है। और वो लॉस किसका है? ना वो हैचरी ओनर का है, ना वो फीड बनाने वाली कंपनी का है, ना प्रोबायोटिक बनाने वाली कंपनी का है, ना प्रोबायोटिक बेचने वाली का है, ना एंटीबायोटिक बेचने वाली का है। वो सारा लॉस किसका है? वो फार्मर का लॉस है। तो वो कंडीशन से हमें फार्मर को बचाना है कि आइडियल नहीं है तो मत करो। अगर जनवरी लास्ट तक हमें रुकना है तो हम फरवरी के सेकंड वीक में ही डालेंगे, कोई जल्दी नहीं हमें। क्योंकि एक दो दिन का भी अगर टेम्परेचर अप डाउन हुआ तो वो भी मछली के लिए किलिंग कंडीशन है। और अभी तो 2-3 महीना इतना लंबा है कि कैसे कंट्रोल करेंगे हम उसको। तो जो एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक्स बिना सोचे समझे जो आपका बैड बैक्टीरिया है उसको भी मारता है, और जो गुड बैक्टीरिया है उसको भी मारता है, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसा आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि किसको मारना है किसको नहीं मारना है। तो जब भी आप किसी अच्छे MBBS MD डॉक्टर के पास जाओगे तो वो कभी भी आपको एंटीबायोटिक एकदम प्रिस्क्राइब नहीं करता। वो आपको हमेशा मल्टी विटामिन लिखेगा, वो आपको जिंक लिखेगा, वो आपको विटामिन सी लिखेगा, वो आपको प्रोबायोटिक लिखेगा कि आप अपनी नेचुरल इम्यूनिटी से ठीक हो जाओ। जो झोला छाप होंगे, गली के डॉक्टर होंगे, वो एकदम एंटीबायोटिक्स लिखेंगे। जो दूसरा है आपका प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक क्या है कि वो धीरे धीरे डेवलप होता है, और सबके अपने अपने काम है। जैसे आप दही खाते हो तो दही में आपका लैक्टोबैसिलस है, दही खाने से क्या होगा कि आपका पेट का डाइजेशन ठीक रहेगा। पर आप वही दही अगर अपने पानी में डालने लगो कि मैं बायोफ्लॉक बनाऊंगा, तो नहीं बनेगा, क्योंकि उस वाले बैक्टीरिया का काम सिर्फ गट को ठीक रखना है, आपकी आंत को ठीक रखना है। तो अगर आप अपने जानवर के खाने में मिला के उसको दोगे तो उसकी वो पेट की प्रॉब्लम को ठीक रखेगा। अब आप अपने पानी में नाइट्रोसोमोनस नाइट्रोबैक्टर डाल देते हो, कहोगे कि मैं इससे फ्लॉक बनाऊंगा, तो उससे फ्लॉक नहीं बनेगा, क्योंकि उसका काम नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस का है। तो वो आइडेंटिफिकेशन आपको करना पड़ेगा कि जब मैं अपना फ्लॉक परचेज कर रहा हूं तो मेरा बायो फ्लॉक में कौन कौन से बैक्टीरिया है। और जो आपकी मेन यूनिट है वो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट है, जिसे आप CFU में काउंट करते हैं कि पर ग्राम में कितने बैक्टीरिया काउंट आपको मिलेगा। और ये जैसे हमारी लाइफ है, जी रहे हैं मर रहे हैं, जी रहे हैं मर रहे हैं, सेम आपकी बैक्टीरिया के साथ भी है। इसीलिए हम कंटिन्यूस वहां पे FCO ऐड करते रहते हैं। FCO ऐड करने से क्या है कि हम रोज उसमें प्रोबायोटिक डाल रहे हैं, मोलासिस डाल रहे हैं, कि जो बैक्टीरिया पैदा हुआ है उसको मरना भी है। ऐसा नहीं कि एक बार जो पैदा हो गया वो अमर हो गया, कुछ भी अमर नहीं है हमारी नेचर पे। हम भी आज हैं, कल शायद ना हो। तो जो आया है उसको जाना भी है, सेम थ्योरी आपकी बैक्टीरिया के साथ भी है। तो वो जो फ्लॉक काउंट की हम बात कर रहे हैं, उसे हमें ना बहुत ज्यादा मेंटेन करना है ना बहुत कम, उसको हमने जो एक सेग्रीगेशन दे दी है उस पर ही मेंटेन करना है। तो आप कहीं पर भी देखोगे कि आपको हिटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया परचेस करना है ना, क्योंकि आपने अभी तक यही पढ़ा कि हमारा कॉलोनी
कौन सा बैक्टीरिया है जो हिट्रोटॉफिक बैक्टीरिया है, ठीक है ना, तो उसी का काम है कि वो आपका कन्वर्ट करेगा, पर ये कहीं बिकी नहीं रहा, ये देखो कहीं मार्केट में हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया बिक ही नहीं रहा है, क्योंकि वो नेचर में फ्रीली अवेलेबल है, पर वो आपके सिस्टम में कब आएगा, जब आप उसको वो राइट कंडीशन देंगे, ठीक है। तो अब जब आपको प्रोबायोटिक खरीदना है तो ये कुछ लिस्ट है कि ये चीजें उसमें होनी चाहिए। सबसे मेन जो है वो बेसेलस सबटिलिस है कि ये तो होगा ही होगा, उसके बाद आपका बेसेलस मैगेटेरियम है कि ये तो होगा ही होगा, बेसेलस पॉलीमिक्स है जिसका काम क्या है, कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको क्या आती है, नाइट्रोजन की आती है, तो ये वाला बैक्टीरिया का काम है कि ये नाइट्रोजन को फिक्स करेगा। लैक्टोबेसिलस स्पोरोजेनियस, बेसेलस पिमिलिस, तो ये कुछ वेल नोन बैक्टीरिया हैं कि जो आपको मिलेंगे मिलेंगे, और इसके अलावा भी लॉट्स ऑफ अदर बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो लैब एनवायरनमेंट में क्रिएट किए हैं। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट लें तो एक अच्छी ब्रांड वैल्यू के साथ, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि जैसे फीड आपका रोज लग रहा है, ये आपका वन टाइम कॉस्ट है, क्योंकि फिर तो आपको क्या पता है कि मुझे अपना FCO बनाना है ना, कि मुझे अपना FCO बना के रख लेना है, तो FCO क्या करेगा, आपको उसी प्रोबायोटिक को आपके पूरे कल्चर के लिए बना के रख देगा। तो FCO इन बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग, FCO मींस फर्मेंटेड कार्बन ऑर्गेनिक, इन दिस टेक्निक वी एड एक्टिवेटेड बैक्टीरिया इन बायोफ्लॉक टैंक। तो FCO बनाने का मतलब क्या है हमारा, कि जो हमारे बैक्टीरिया थे वो स्पोर फॉर्म होता है, स्पोर फॉर्म मतलब उसको लैब एनवायरनमेंट में फ्रीज कर दिया है, जब तक उसको एरिएशन और कार्बन सोर्स नहीं मिलेगा वो एक्टिवेट नहीं होगा। तो जैसे ही आपने उसको FCO बनाया तो वो एक्टिवेट हो गया, अब उसका काम क्या करना है कि ऑर्गेनिक वेस्ट को खाना है, उसका काम क्या है, नाइट्रोजन वेस्ट को खाना है, अनईटन फीड को खाना है। तो जब आप उसको FCO को डालोगे अपने बायोफ्लॉक टैंक में तो वो अच्छे से काम करेगा, और ये नहीं कि आपने एक दिन डाला और फिर 10 दिन डाला नहीं, आप एक शेड्यूल अपना बना लो कि आपको वीकली, बाई वीकली, अल्टरनेट डेज उतनी ही लाइट डोज देनी है, और वो कब देनी है वो आप अपने पैरामीटर मॉनिटर करते रहो, ठीक है। ठीक सर, कुछ क्लियर हुआ अभी जो मिसकंसेप्शन थे अभी तक? हाँ ठीक सर। तो जो BFT है, बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी, मछली पालने का तरीका नहीं है, वो खाने का तरीका है, वो आपकी वाटर क्वालिटी को मेंटेन करने का तरीका है, ठीक है, कि वहां पे आप अपना नेचुरल इकोसिस्टम मेंटेन करें, इसलिए आपका बायोफ्लॉक बना है, आप अपने वाटर का, लैंड का अच्छे से यूटिलाइज कर सको। आज हर एक फार्मर फिश फार्मिंग करने की सोच रहा है, क्यों करने की सोच रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं 30,000 लीटर, 50,000 लीटर, 1,00,000 लीटर के टैंक में भी कर सकता हूँ। अगर उसको मैं आज बोल दूं कि 1 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर, 3 हेक्टेयर, तो मार्जिनल फार्मर थोड़ा सोचेगा। तो ये हमारा बायोफ्लॉक कल्चर है कि कैसे काम करता है। जिस दिन से आपने मछली ऐड किया, जिस दिन से आपने उसमें फीड ऐड करना शुरू किया, तो उसमें कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है। तो जैसे ही नाइट्रोजन आपके एनवायरनमेंट में आई, तो आपका बायोफ्लॉक काम करना शुरू करेगा, अगर आपने सही एनवायरनमेंट वो क्रिएट किया है अपनी मछली को ऐड करने से पहले। तो जितना भी वेस्ट आपकी मछली करेगी इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, आप उसके अगेंस्ट में उसको एरिएशन दोगे,
कार्बन सोर्स दोगे जिसको वो क्या करेगी, माइक्रोबियल प्रोटीन में कन्वर्ट करेगी। इसका मतलब वो सिंगल सेल प्रोटीन होगा एज अ फ्लॉक, जिसको मछली को खाने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पर वो मछली की स्पेशीज होनी चाहिए कि वो फ्लॉक कंज्यूम करे। कैट फिश की नेचर नहीं है कि वो फ्लॉक को कंज्यूम करे। पंगेशियस बहुत लिमिटेड फ्लॉक खाती है, पर हाँ खाती है। पर आप सोचो कि मैं उसको फ्लॉक खिला खिला के 1 किलो पे ले जाऊंगा, तो ये फार्मर का मिसकंसेप्शन है। जो कल्चर आपको 4 से 6 महीने में करना है, वो कल्चर आपका 10 से 14 महीने में कंप्लीट होगा। और जैसे जैसे आप लाइव स्टॉक का टाइम बढ़ाते जाते हैं, आप अपना रिस्क बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि छोटी वाटर बॉडी है। छोटी वाटर बॉडी में जल्दी तैयार करो और जल्दी निकालो, क्योंकि कब डिजीज आउटब्रेक होगा, कब आपका एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होंगी, हमें भी नहीं मालूम। तो अब जो है आपका, अब हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पे समझी कि क्या क्या है हमारा जरूरी। हमारा बेसिक वाटर पैरामीटर इम्पोर्टेंट है, उसके बाद हमारा एक्वाटिक एनिमल का हैबिट और हैबिटेट, वाटर साइकिल का क्या इम्पोर्टेंस है, और बायोफ्लॉक का रोल क्या है। बायोफ्लॉक का डिस्कशन और इम्पोर्टेंस क्या है, जनरल डिस्कशन और वाटर इम्पोर्टेंस। उसके बाद आता है कि अब हम अपने पानी को तैयार कैसे करें। तो जब भी आपको अपने पानी की वाटर प्रिपरेशन पे जाना है, तो मिनिमम 3 वीक्स और मैक्सिमम 6 वीक का टाइम आपको देना है बिफोर स्टॉकिंग योर सीड। मछली को नए पानी पुराने पानी से कोई मतलब नहीं है, उसको राइट वाटर पैरामीटर कंडीशन से मतलब है। ठीक है, ठीक आप उसे नया पानी दे दोगे तो ये नहीं कि वो बहुत खुश हो जाएगी, वो भी उसके लिए सर। स्ट्रेस है ना। तो आपको वो सब चीजें समझना है कि नया पानी पुराने पानी से कोई मतलब नहीं है, पानी की क्वालिटी से मतलब। नहीं तो आप ये सोचो कि डाम हुए आपके, आपके अर्दन पॉन्ड हुए, आपके पंचायती पॉन्ड हुए, उनमें तो कप का पानी है, पर आज भी हम उसमें से प्रॉफिट ले रहे हैं। फार्मर जो है हमारा वहां से मछलियां निकाल रहा है, अच्छा खासा वहां से कल्चर कर रहा है। क्यों कर पा रहा है? क्योंकि पानी की क्वालिटी अच्छी है। अगर वो पानी की क्वालिटी खराब हो जाएगी तो वहां पे भी मोर्टेलिटी होगा। तो इतना सारा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमने ट्रेनिंग से पहले यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि हर एक जना को हम तक पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लगेगा। और क्या लगता है कि पता नहीं यार कुछ बताएगा नहीं बताएगा, वैल्यूबल होगी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, चीट तो नहीं करेगा, ऑनलाइन बैठा हुआ है, पता नहीं सब चीजें कन्वे होंगी नहीं होंगी। तो आधे से ज्यादा इंफॉर्मेशन पहले से ही हमने पुट करके रखा हुआ है। आगे क्या होता है आपका काम, कि हम उसको प्रोसेस में, कि जिस टाइम पर आपको वो इंफॉर्मेशन चाहिए उस टाइम पर वो इंफॉर्मेशन हम आपको फ्लो करते हैं। क्योंकि देखो पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, है ना। आपने दो कल्चर करे, दो कल्चर में आपको भी पता चला कि ये करता तो ऐसा होता, ऐसा करता तो ऐसा करता। पर क्या है कि अगर वो चीजें आपको तभी मिल जाती तो आज शायद हम बैठे भी नहीं होते। तो कल्चर को करने से पहले पहले वो सारी बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर होनी चाहिए। जो हमारे वाटर पैरामीटर किट्स हैं वो हमारे पास होनी चाहिए। तो ये सब चीजें आपको यहाँ मिलेगा। कोई कहता है कि मेरे हार्वेस्टिंग नहीं देखा, तो हार्वेस्टिंग वीडियो है। कैसे फीड फॉर्मुलेशन करना है वो यहाँ पर दिया हुआ है। होममेड फीड पे क्या ग्रोथ है वो यहाँ पे दिया हुआ है। पंगेशियस का कैसे हार्वेस्टिंग है, सिंघी की कैसे हार्वेस्टिंग है, वाटर प्रिपरेशन कैसे करना है, कॉमन कार्प का क्या ग्रोथ है,
वाटर पैरामीटर का क्या इफेक्ट है, ग्रीन बायोफ्लॉक, ब्राउन बायोफ्लॉक, सिंघी, चीतल, जो भी है आपका एक्वाकल्चर से रिलेटेड, आपके केमिकल्स जो लो कॉस्ट केमिकल हैं जो आपको पास से ही मिल जाते हैं। श्रिम्प के लिए आपको कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम चाहिए। ब्लीच का क्या इम्पोर्टेंस है, कितना सस्ता है, कितना यूज करना है, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको इधर मिलेगा। टाइम टू टाइम पे हम वो आपको इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं, जिससे वो चीजें आपके पास टाइमली पहुंचे। सैनिटाइजेशन का कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, वो भी रहता है लोगों को। तो सिर्फ आपका नमक, हल्दी, पोटेशियम परमैंगनेट, जिन भी चीजों से आप कर रहे हैं, वो आप जब हम आगे उस प्रोसेस पे जाएंगे तो उन चीजों को भी डिस्कस करेंगे, पर ऑलरेडी आपको वो सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगा। तो अब जो है कि अब हम आपने मुझे अपने इंफ्रा के तो वीडियोस दिए थे, तो हम बायोफ्लॉक किसी भी सिस्टम में आप कर सकते हैं। किसी भी सिस्टम में करने से मतलब टारपुलिन में कर सकते हैं, सीमेंटेड टैंक में कर सकते हैं, या फाइबर में कर सकते हैं। जो आपके नॉर्मल अर्दन पॉन्ड है उनमें सजेस्टेड नहीं है, ठीक है? ठीक है। अब 12 महीने हैं आपके पास, और जो आपके पास कंडीशन है वो 8 महीने का है कल्चर का, है ना? 8 महीने ही आपके पास, आपने फरवरी से शुरू किया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर तक आप अपने कल्चर को ले जा सकते हैं। तो आपके पास 10 महीने हो गए। नवंबर के बाद मना करूंगा दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है ना? उनको छोड़ना है आपको। जनवरी फरवरी को तो बिल्कुल टच नहीं करना, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 3 महीने कोई कल्चर नहीं करेंगे जो कंडीशन आपके यहाँ पर है। तो अब आपके पास 10 महीने हैं, तो अब हमें अगर 2 कल्चर लेने हैं तो हमें कम से कम 4 से 5 महीने में एक कल्चर निकालना होगा, तभी आप दूसरा कल्चर ले सकते हैं, नहीं तो एक ही कल्चर लेंगे। तो जब भी आप अपनी स्टॉकिंग करें तो इसी हिसाब से करें कि नवंबर दिसंबर तक आप अपना सारा स्टॉक हार्वेस्ट कर दें, क्योंकि अगर वो 300-400 ग्राम का भी हुआ, अगर आप उसको अपने रिटेल से बेच पा रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज उतने साइज का आपको प्राइस अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है? तो जब भी बायोफ्लॉक की बात करें, आपके पास टारपुलिन टैंक होने चाहिए, सीमेंटेड टैंक होने चाहिए या फाइबर टैंक होने चाहिए। एक साल में आप मिनिमम 2 क्रॉप ले सकते हैं, अगर आप बड़ा बच्चा स्टॉक कर रहे हैं तो उस केस में। जैसे तिलापिया है, तिलापिया का कल्चर आप इजिली 4-5 मंथ्स में ले लेंगे। पंगेशियस है, पंगेशियस का अगर आप बड़ा बच्चा स्टॉक कर रहे हैं तो आप उसका भी कल्चर 5 महीने में निकाल लेंगे। बिग हेड, कॉमन कार्प, अगर आप स्टंटेड बच्चा या ईयरलिंग बच्चा डाल रहे हैं तो उसका कल्चर भी आप 5-6 महीने में कर लेंगे। फिर दोबारा स्टॉक करने की जल्दी ना करें, क्योंकि फिर आपके पास 4 महीने का ही टाइम होगा। तो जो भी आप स्टॉकिंग कर रहे हैं वो उसी हिसाब से करें कि 4th महीने 5वें महीने पे आप बड़ी मछलियां बेच लें, फिर आप रुक जाएं, जो फाइनल हार्वेस्ट करें वो आप अपना अक्टूबर नवंबर में कर दें। तो आपके पास पैसे की भी कंटिन्यूटी बने रहेगी और आपका कल्चर भी चलता रहेगा, क्योंकि आपको भी मालूम है कि अगर आपने 100 मछलियां डाली तो 100 की 100 मछलियां 1 किलो की नहीं होंगी, उसमें से 35-40% जल्दी तैयार हो जाएंगे। तो आप उसको 4th महीने में निकाल दो, उससे क्या होगा, आपके पास पैसा भी आ जाएगा और जो मछलियां बची हैं उनको जगह भी मिलेगी, फिर वो आगे वाले टाइम में अच्छे से उनकी ग्रोथ हो जाएगी। तो जो हमारा फ्लॉक है उसकी कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू है, जैसे 50 से 200 माइक्रोन तक उसका साइज होता है। शुरू में ही फार्मर परेशान होने लगता है, सर फ्लॉक तो दिख ही नहीं रहा,
पर जब आप देखोगे अपने पॉन्ड की सरफेस पे, एयर ऑक्सी ट्यूब पे, तो वहां पे आपको चिपका चिपका सा कुछ दिखाई देगा या फील होगा, ट्रांसपेरेंट कलर का। तो वो फ्लॉक का फॉर्मेशन शुरू हो गया है, पर वो धीरे 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 आपको आंखों से दिखने लायक फॉर्म में आएगा। जो है आपका फ्लॉक एक अल्टरनेट फीड सोर्स है। जैसे आपने एक खाना सुबह दिया, फिर एक खाना आपने 4 से 6 घंटे के बाद दिया, तो उस टाइम पर भी एक नेचुरल फीड उसके पास है। अगर उसको भूख लगता है तो वो उसको कंज्यूम करेगा। कोई ऐसा हमारा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो उसी को खाए, वो उसकी च्वाइस है, वो उसको कंज्यूम कर भी सकती है, नहीं कर सकती है। जैसे तिलापिया है, तिलापिया को कुछ भी दो वो खाती है, तो वो फ्लॉक भी अच्छे से खाती है। श्रिम्प है, श्रिम्प को छोटा फीड, नॉन वेज फीड अच्छा लगता है, तो वो भी फ्लॉक कंज्यूम करता है। हमारी कैटफिश है, जैसे आपकी सिंगी हुआ, हाइब्रिड मांगुर हुआ, वो नहीं खाती फ्लॉक, क्योंकि वो एग्रेसिव फीडर है, उनको एकदम से कुछ अच्छा खाना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारी देखिए, फ्लॉक की न्यूट्रिशन वैल्यू है वो 25 से 50% तक उसमें प्रोटीन सोर्स है। फैट की जो वैल्यू है 0.5 से 15% तक का फैट का वैल्यू है। और उसमें क्या मिलता है? उसमें विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं और फास्फोरस मिलता है, जो आपकी मछली की इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी मछली फिल्टर फीडर है। पानी में जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू होगी वो गिल के सहारे उसके बॉडी में जाएगा ही जाएगा, तो वो सब उसके सिस्टम में रहेगा, तो इम्यून वो बनी रहेगी आपकी। ठीक है, जो ठीक है, कंसेप्ट है आपका बायोफ्लॉक का, उसमें कोई मैकेनिकल फिल्टर आपका नहीं है, ना कोई बायोलॉजिकल फिल्टर है। तो आप किसका कल्चर कर रहे हैं? आप गुड बैक्टीरिया का कल्चर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एरिएशन, सो दैट आप अपनी पानी की क्वालिटी को अच्छे से मेंटेन करके रखें। ठीक है, अगर आप ठीक है, रेस पे जाते हैं तो रेस में आपको अपना मैकेनिकल फिल्टर और बायो फिल्टर की ब्यूटी मिलेगी, जो आपके पानी को क्लीन करती रहती है, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना स्टॉकिंग भी बढ़ा सकते हैं और प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं, जो हमारी लिमिटेशन आ जाती है हमारे पास बायो फ्लॉक में, क्योंकि हमारे पास कोई फिल्ट्रेशन टेक्निक नहीं है। और जो हमारे बैक्टीरिया हैं उनको भी 4 से 6 घंटे का टाइम लगता है कंट्रोल करने में, तो उतना रेस्पॉन्स टाइम हमारे पास होना चाहिए कि अगर हम इतनी ज्यादा स्टॉकिंग कर देंगे तो आपका मॉर्टेलिटी भी होने लगेगा। टैंक कैसे भी हो कोई मतलब नहीं है, सर्कुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, किस भी तरह का हो, सबके अपने अपने एडवांटेज, अपने अपने डिसएडवांटेज हैं। सर्कुलर टैंक का क्या एडवांटेज है कि उसका कोई एंड नहीं है, मछली एक तरफ से घूमना शुरू करेगी तो कहीं वो खत्म नहीं होता, घूमती रहेगी, वॉक करती रहेगी, तो उसको वो अनलिमिटेड एरिया मिलता है वॉक करने के लिए। जबकि रेक्टेंगुलर में क्या है कि जब वो एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगी तो उसको वहां से ब्रेक लेना पड़ेगा, पर उतनी इंटेलिजेंसी फिश के पास है, जैसे भी एनवायरनमेंट में आप उसको रखते हो वो उस तरह से अपने आप को ढाल लेती है। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपका ऑक्सीजन का वो आपका 70 to 100 LPM है, लीटर पर मिनट, इतना रिक्वायरमेंट है हमारे बायो फ्लॉक का। और जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो आपकी अबव 6 रहना चाहिए या इक्वल 6, 3 या 4 से काम नहीं चलेगा। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन रहेगी उतना ही आपका फ्लॉक अच्छे से काम करेगा, मिक्सिंग अच्छी होगी, उतना ही पानी की क्वालिटी आपकी मेंटेन रहेगी। ठीक है, ठीक है। जो आपका बायोफ्लॉक सिस्टम करता है, सबसे पहला है आपका वाटर पैरामीटर, जो हमने अपना सेशन 1 में पढ़ा है, वो सब आपके पास टिप पर होने चाहिए। कितनी रेंज है, कितनी नहीं है, मिनिमम रेंज क्या है, हाईएस्ट रेंज क्या है, वो सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होनी चाहिए,
दिन में एक बार, दिन में दो बार, वो आपकी स्पेशीज के अकॉर्डिंग है। अगर कैटफिश कर रहे हैं तो दिन में एक बार भी करेंगे, बहुत है। कार्प का कल्चर कर रहे हैं, दिन में दो बार करेंगे, बहुत है। श्रिम्प का कल्चर कर रहे हैं तो दिन में तीन से चार बार भी हो सकता है। तो जो जितनी सेंसिटिव है उतनी ही हमारी मॉनिटरिंग बढ़ जाएगा। कार्बन नाइट्रोजन रेशियो, जो सारी जान है आपकी बायोफ्लॉक की, वो यही है। क्योंकि नाइट्रोजन भी फीड के साथ आना है, कार्बन भी फीड के साथ आना है। अगर आप रिच प्रोटीन फीड दोगे तो आप अपनी कॉस्टिंग भी बढ़ाओगे और हमारे बायोफ्लॉक का जो साइकिल है उस पे भी इफेक्ट आएगा। तो वो सही अप्रोच में करें। 28-30% तक का प्रोटीन अगर आप देते हैं तो कोई प्रॉब्लम आपको ज्यादा नहीं आएगी इन टर्म ऑफ द टाइम। तो अब हम बेसिक बेसिक सब चीजें समझ गए हैं। अब कैसे हमें पानी को शुरू करना है? तो जो हमारा पानी की क्वालिटी को कंट्रोल करेगा वो कौन है आपका? वो हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। तो जो हमने ये शुरू के 3 से 6 हफ्ते दिए, ये किसको लाने के लिए दिए? कि वो हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया हमारे कल्चर में आ जाए। बायोफ्लॉक का जो एडवांटेज है विद जीरो और लिमिटेड वाटर एक्सचेंज, कि बहुत कम वाटर एक्सचेंज की आपको जरूरत पड़ती है। अदरवाइज आपने साउथ अफ्रीका साइड के वीडियोस देखे होंगे या हमारे इंडिया के, बांग्लादेश के वीडियोस देखे होंगे, तो बहुत फ्रीक्वेंट वाटर एक्सचेंज हम अपने पॉन्ड में करते हैं। तो ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा कुछ उससे अचीव कर पा रहे हैं। उससे क्या है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं वो हम वेस्ट कर रहे हैं, और दूसरा पानी की जो केमिस्ट्री है उसको बिना समझे हम उसको वेस्ट कर रहे हैं। एरिएशन और मिक्सिंग, ये दो काम आपके होने चाहिए जिससे ऑर्गेनिक वेस्ट, जो आपको प्रॉब्लम आया था स्लज का, वो ना हो। फिर है आपका कार्बन नाइट्रोजन रेशियो, उसका क्या काम है? वो अमोनिया को कंट्रोल करेगा, नाइट्राइट को कंट्रोल करेगा। तो अगर उसने 10 पर ही काम कर लिया तो आपके कल्चर में नाइट्राइट और नाइट्रेट की प्रॉब्लम आपको आएगी ही नहीं। अब कौन सा फिश हम उसमें करें, कौन सा ना करें? तो जो स्पीशीज है आप कोई सी भी स्पीशीज कर सकते हैं, पर कार्प कल्चर ना करें। कार्प में कौन सा, जैसे रोहू है आपका, उसका कल्चर ना करें। कतला है, उसका कल्चर ना करें। मृगल है, उसका कल्चर ना करें। सिल्वर है, ना करें। ग्रास कार्प है, उनके कल्चर ना करें अगर आपको ग्रो आउट कल्चर करना चाहते हैं। आप बायोफ्लॉक में नर्सरी करना चाहते हैं, नर्सरी आप कर सकते हैं, कि जहां पे आपको बच्चा सिर्फ 25 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम का ले जाता है। अगर आप उस मछली को चाहते हैं कि वो 1 किलो, 1.5 किलो की बायोफ्लॉक में हो, तो नहीं होगी, क्योंकि वाटर की हार्डनेस बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, पर हमारी कार्प कल्चर जो है, कार्प का, उसका नेचर वैसा नहीं है। तो इनमें आप किन के कल्चर कर सकते हैं? आप श्रिम्प का कल्चर कर सकते हैं, तिलापिया का कल्चर कर सकते हैं, कोई कर सकते हैं, पंगेशियस कर सकते हैं, और हाई वैल्यू स्पेशीज। हाई वैल्यू स्पेशीज में आपका पापदा है, टेंगड़ा है, ईल है, इनके भी कल्चर आप इसमें कर सकते हैं, क्योंकि वो जो आपकी डेंसिटी है, जो हार्डनेस है वाटर की, उनको झेल जाती है। पर जिस स्पेशीज का पैसा आपको अच्छा मिल रहा हो, उसी का कल्चर आप बायोफ्लॉक में करें, क्योंकि एक तो आपका कमर्शियल फीड लगेगा, तो कमर्शियल फीड का कॉस्टिंग है, दूसरा आपका एरिएशन लगेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट है। तो कम से कम 50-60% पैसा आपका एक्सपेंस में खर्च होगा, अराउंड 40% आपका प्रॉफिट बचेगा। तो ऐसी मछली ना करें जो 80 रुपए, 90 रुपए, 100 रुपए बिकने वाली हो, क्योंकि उसका प्रोडक्शन हम यहाँ पे नहीं ले पाएंगे। जो मछली आपकी 150 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए तक बिके, उसका कल्चर आप अपना बायोफ्लॉक में कर सकते हैं।
क्योंकि वो सारे एक्सपेंस फार्मर को ही निकालने हैं, तो वो तभी निकलेंगे। कोई भी प्रॉफिटेबल बिजनेस तभी प्रॉफिटेबल है जब वो आपको 40 से 50% का रिटर्न दे रहा हो, जब आपने वहां पे 4 से 6 महीने लगाए हैं। ठीक है, ठीक सर। तो जो फ्लॉक का काउंट आपको रखना है वो अपना श्रिम्प के लिए लेस देन इक्वल टू 15 मिलीग्राम पर लीटर, और आपका फिश के लिए लेस देन इक्वल टू 25 मिलीग्राम पर लीटर। उससे ज्यादा करेंगे तो स्लज को कंट्रोल करना फार्मर के लिए मुश्किल होगा। आपका एरिएशन का कॉस्ट बढ़ेगा, आपका और चीजों का जो कॉस्ट है वो बढ़ेगा, तो हमारा एरिएशन पे जो इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस है वो भी हमें बचाना है। अब आपका क्या है कि आप दो तरह से प्रोबायोटिक अपना कर सकते हैं। एक तरीका है कि आप अपना होममेड प्रोबायोटिक बनाएं, या दूसरा कमर्शियल प्रोबायोटिक परचेज कर लें। आप दो कल्चर कर चुके हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक अच्छा कमर्शियल प्रोबायोटिक ले लें, क्योंकि आप कोई आप ट्रायल नहीं रन कर रहे हो, आप एक कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हो। आपको पता है कि अगर मैं 10 रुपया उसमें डाल रहा हूं तो कल मुझे 20 रुपया उससे मिलेगा भी, तो 10 रुपये का मेरा प्रॉफिट आएगा। तो कमर्शियल प्रोबायोटिक पर ही आप चले जाएं। वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जब आपको प्रोबायोटिक लेना है तो उस प्रोबायोटिक में क्या देखना है। होममेड का कुछ है ऐसी कंट्रीज की जहां पे अब भी प्रोबायोटिक नहीं मिल रहे, तो ये मेथड उनके लिए है कि वो लोग बना सकते हैं और इससे भी कल्चर करते हैं। कोस्टल लाइन के हमारे बहुत सारे फार्मर हैं जो इस तरह से कल्चर कर रहे हैं और अच्छा खासा कल्चर और प्रोडक्शन निकाल पा रहे हैं। पर आप जिस जगह पर बैठे हुए हैं, आप एक अच्छा प्रोबायोटिक लीजिए, बहुत बड़ी आपकी वाटर बॉडी नहीं है, तो कमर्शियल प्रोबायोटिक आप डालेंगे तो आपको इफेक्ट भी जल्दी मिलेगा और आप इजीली अपनी वाटर क्वालिटी को भी मेंटेन कर पाएंगे। अगर आप पॉन्ड वगैरह में कर रहे होते तो वहां के लिए मैं आपको सजेस्ट करता, पर आप बायोफ्लॉक कर रहे हैं तो एक अच्छा कमर्शियल प्रोबायोटिक लीजिए, बेसिलस ग्रुप का लीजिए और अच्छे से उसका कल्चर आप अपना कीजिए। उसको एक अच्छे से आप अपना 100 लीटर का ड्रम ले लीजिए, मेटल का नहीं होना चाहिए, वो प्लास्टिक या फाइबर का होना चाहिए। उसमें आप अपना 50 लीटर, 60 लीटर, 80 लीटर तक का पानी डाल के उसमें एक छोटा सा एयर पंप वगैरह, चाहे एयर स्टोन से, एयर ऑक्सीट्यूब से, हल्का एरिएशन जो 24 घंटे चलता रहे, और उसको आप फर्मेंटेशन पे छोड़ दो 48 से 72 घंटे। उसमें से हल्की हल्की स्मेल आने लगेगा, वो गंदा स्मेल नहीं होगा, वो एक अच्छी स्मेल होगी। उस टाइम पर वो एक्टिवेट हो गया है और उसी को आप अपने कल्चर में यूज कर सकते हो एज अ एफसीओ और एज अ टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ योर प्रोबायोटिक। ठीक है, तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कमर्शियल प्रोबायोटिक पर ही जाएं और वो बेसिलस ग्रुप का हो। जब आप वाटर प्रिपरेशन पे जाओगे तो ये मैं सब आपको ओवर द व्हाट्सएप कन्वे करूंगा। अब फार्मर को सबसे पहला जो काम है उसको अपना टैंक प्रिपेयर करना है। तो टैंक कैसे प्रिपेयर करना है, पानी एकदम ही नहीं भर देना है, क्योंकि अब उसने टारपुलिन कहाँ से खरीदा है, वो फूड क्वालिटी का है या नहीं है। एक जना उसको 20 हजार का दे रहा था, एक ने उसको 8 हजार का दे दिया, तो फार्मर ने 8 हजार वाला ले लिया, पर जो 20 हजार का बेच रहा था उन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा कि वो 20 हजार का क्यों दे रहा है और ये 8 हजार का क्यों दे रहा है। कुछ ना कुछ तो होगा ना, नहीं तो वो भी 20 हजार वाला 8 हजार का दे सकता था, पर उसने नहीं दिया। तो हमेशा फार्मर को वो क्वालिटी देखना है कि मैं क्या चीज खरीद रहा हूँ और क्या मुझे मिल रही है। कि वो फूड ग्रेड क्वालिटी का होगा तो वो महंगा होगा, अगर वो नॉर्मल है। काफी बार फार्मर खोलता इतनी खतरनाक स्मेल आती है टारपोलिन टैंक में से, क्यों? क्योंकि वो सारा केमिकल फॉर्मेशन है और आप उसमें सीधे पानी भरेंगे तो वो सारा केमिकल आपके पानी में जाएगा, और जब आप अपनी मछली इंट्रोड्यूस करेंगे उस पानी में
तो मॉर्टेलिटी होगी। तो आपको हमेशा अपना टैंक को अच्छे से सैनिटाइज करना है। सैनिटाइज करने के लिए आपके पास ब्लीचिंग पाउडर है, आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट है, कुछ भी नहीं है तो आप नमक और हल्दी से भी उसको कर सकते हैं कि जो भी वहां पे हार्मफुल है वो सब चीजें धो धा के अच्छे से आप उसको क्लीन कर दो। सन ड्राई दे सकते हैं तो 2-3 दिन का उसको सन ड्राई दे दो। तो जितना भी केमिकल, जितना भी बैक्टीरिया, जितना भी इंफेक्शन, जितना भी अनवांटेड है वहां पे, वो सब चला जाएगा। इसके बाद आपको वाटर प्रिपरेशन पे जाना है। वाटर प्रिपरेशन का जो मिनिमम है 1 से 2 वीक्स और मैक्सिमम 3 to 6 वीक, ये हमेशा फॉलो करना है फार्मर को। पहले कल्चर में ये प्रॉब्लम आएगा कि आपको स्टार्टअप टाइम लगेगा, पर जब आप सेकंड कल्चर में जाएंगे तो आप उस पानी को भी यूज कर सकते हैं अगर कोई मेजर डिजीज आपके कल्चर में नहीं आया है। अगर कल्चर में कोई मेजर डिजीज आया है तो उस पानी को यूज मत कीजिए। अगर नहीं आई है, सारा कल्चर आपका अच्छे से गया है, तो 30 to 40% वो ही पानी आप यूज कर सकते हैं और आप फर्स्ट वीक में ही आप अपना बच्चा स्टॉक कर सकते हैं। पर पहली बार आप अपना कल्चर कर रहे हैं तो आपको ये टाइम देना ही पड़ेगा कि जो हमारा नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है, जो हमारा वाटर साइकिल है, वो कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने टैंक, आपका 4 फुट का टैंक होगा जो मैक्सिमम हाइट है उसकी, है ना, तो आप उसको 1 फीट पानी से भर दें। ठीक है, 1 फीट पानी से आपने भर दिया। उसके बाद आपको एक जो टैंक है आपका, उसमें आपको 10 से 14 एरिएशन पॉइंट देने हैं और वो एरिएशन पॉइंट ऐसे होने चाहिए कि अगर एक जगह से बबल निकल रहा है और दूसरी जगह से बबल मिल निकल रहा है, तो वो दोनों बबल एक जगह आके मिल रहे हैं, उनके कहीं भी बीच में ऐसा ना हो कि जहां हमें लगे कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो उनका प्लेसमेंट इस तरह से होना चाहिए कि एक जगह के बबल दूसरे जगह के बबल आपस में वाटर सरफेस पे आके मैच कर रहे हो। ठीक है, और आपको एरिएशन ऑन कर देना है। उसके बाद आपको अपना पानी की सैलिनिटी चेक करना है। आप फ्रेश वाटर में ही कल्चर कर रहे हैं, है ना, तो आपके पानी का जो सैलिनिटी होगा 0.3, 0.5, 0.8 इतना ही होगा। तो आपको पर लीटर में 1 ग्राम के हिसाब से रॉ सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, वो ऐड करना है। ठीक है, ठीक सर। 1 फीट आपने पानी भरा, 1 फीट का आपने वॉल्यूम निकाला कि कितना आया, उस हिसाब से आपको उसमें ऐड करना है 1 लीटर में 1 ग्राम नमक, और आपको ये एरिएशन चलने देना है। तो सबसे पहला काम आपने नमक डाला, नमक से जितने भी उसका फंगल वंगल जो भी वैसी चीजें होंगी वो सब खत्म हो जाएंगी, पानी अब आपका एकदम क्लीन हो गया है। दूसरा कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा आपका, ये 24 घंटे के बाद करना है फिर आपको, ना कैल्शियम। ठीक सर। फिर आएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बोले तो CaCO3, जो आपके पानी में कैल्शियम आयन को भी बढ़ाएगा और कार्बोनेट को भी बढ़ाएगा। और कैल्शियम कार्बोनेट का सबसे अच्छा काम है कि ये पीएच को मेंटेन करके रखता है। ये नहीं कि 7 था तो 9 ले जाएगा, 9 था 7 ले आएगा, 7 है तो थ्रू आउट कल्चर 7, 7.2, 7.5 इतना मेंटेन करके रखेगा। तो 100 ग्राम 1000 लीटर में, ठीक है, 100 ग्राम आपको ठीक 1000 लीटर में डालना है और इसको अच्छे से मिक्स करके आपको पूरे टैंक में फैलाना है। एरिएशन आपका कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो आपने अब अपने जो बैक्टीरिया आने वाला है उसके लिए सोडियम दे दिया है, उसके लिए कैल्शियम दे दिया है, कार्बोनेट दे दिया है जो एल्कलिनिटी को मेंटेन रखेगा।
अब आपको मोलासेस ऐड करना है। मोलासेस का काम कि वो उसमें नेचुरल कार्बन सोर्स ऐड करेगा, तो आपको मोलासेस, शुगर, जागरी। अगर शुगर यूज कर रहे हैं तो वो 50 हो जाएगा, अगर मोलासेस और जागरी यूज कर रहे हैं तो 100 ml 1000 लीटर में। ठीक है, ठीक सर। और अच्छे से उसको पानी में घोल के देना है, पूरा मिक्स करके डाइल्यूट करके देना है। अदरवाइज क्या होगा, ऐसे ही आप उसको डालेंगे वो सारा आपका बॉटम पे जाके जम जाएगा। तो अच्छे से पानी में मिला के इसको दे देना है, और एरिएशन आपका कंटिन्यूस चलता रहेगा, कहीं भी एरिएशन बंद नहीं करना है। इसके बाद जब आप पहला डोज प्रोबायोटिक का दे रहे हैं, तो प्रोबायोटिक के पीछे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगा कि कितना डोज देना है, तो 25 ग्राम 1000 लीटर में। 25 ग्राम आपका 1000 लीटर में जाएगा, और उसको भी आप अच्छे से घोल के पानी में, जिससे आप पूरे टैंक में उसको फैला के दे पाए। जब ये प्रोसेस आप शुरू करें तो आपका टेम्परेचर 22 से 32 डिग्री की रेंज में होना चाहिए। ऑप्टिमम जो है 26 से 28 की रेंज है कि वो होगी, और इस प्रोसेस को आप चलने दें नेक्स्ट 2 वीक्स, और आप उन सारे पैरामीटर को मॉनिटर करते रहें जो हमने पहले वाले सेशन में डिस्कस किए हैं, जैसे पीएच, टीडीएस, सैलिनिटी, एल्कलिनिटी, अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट, ये सब चीजें हमें देखना है। धीरे 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 अमोनिया वगैरह आएंगी पिक्चर में, और धीरे 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 वो 0-0-0 पे पहुंच जाएंगी। वो 2 वीक का भी टाइम हो सकता है, वो 4 वीक का भी टाइम हो सकता है, या वो मैक्स 6 वीक का भी टाइम हो सकता है। वो बैक्टीरिया के फॉर्मुलेशन पे, फॉर्मेशन पे होगा कि कितना टाइम उसको लगा। कोई डाउट यहाँ पे? नहीं सर। ऐसा ही किया था आपने अपने पिछले कल्चर में या कुछ कम? नहीं सर, वैसे ही था। ठीक है ना, तो यही प्रैक्टिस आपको फॉलो करना है। जब आपके सारे क्या किया था? हाँ, आफ्टर 7 डेज मैंने फीड अभी यूज किया था। तो फीड यूज करने से क्या है कि आप उसको नाइट्रोजन सोर्स भी दे रहे हैं। हाँ, ठीक है ना, उसकी जगह आप अमोनियम सल्फेट भी यूज कर सकते हैं, आप अमोनिया का सोर्स उसको दे रहे हैं। अदरवाइज आप उसको टाइम देंगे ना, तो वो टाइम खुद ही मेंटेन करके वो पूरा साइकिल वहां पे मेंटेन कर देगा। अगर आपने फीड देना शुरू किया तो आप देखो कि वहां पे फ्लॉक बन गया हो। कितना फ्लॉक? कम से कम 5 से 7 ml/L, तब आप उसको फीड देना शुरू करो। इसीलिए मैं आपकी प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूं। अगर मैं आपके फार्म पर होता तो मैं वही प्रोसेस फॉलो करता, पर वो प्रोसेस फॉलो करूंगा तो मुझे उसी दिन से कार्बन नाइट्रोजन रेशियो भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोगों की सहूलियत के लिए उस प्रोसेस को एकदम सिंप्लीफाई रखा है। अदरवाइज आप नॉर्मल पानी खड़ा करके उसको एरिएशन दे दोगे तो वो भी 4 से 6 हफ्तों में ठीक हो जाएगा। क्योंकि नेचर है, नेचर को काम करने के लिए टाइम लगता है। तो अब आपका आ गया स्टॉकिंग। स्टॉकिंग हम अपने पहले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि आपका जो साइज है उस साइज के अकॉर्डिंग हमें स्टॉकिंग करनी है। अगर 500 ग्राम का लेना है तो 1000 पीस डाल लें, अगर 1 किलो का लेना है तो 250 पीस डाल लें, कि जिससे हमें वही अपना जाए। तो ये हम अपने आगे के वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे। आप जो फीडिंग आपको देना है, तो शुरू में अगर आपका बच्चा छोटा है तो छोटे बच्चे को ज्यादा भी फीड देंगे तो कोई आपका नुकसान नहीं है, क्योंकि इतना सारे बच्चे को भी जाके वो मुश्किल से 500 ग्राम 800 ग्राम इतना ही फीड बनेगा, जिसको आप इजिली कंट्रोल कर सकते हो। और आपका क्या होगा कि जो ग्रोथ आपको 3 महीने में मिली है, वो ग्रोथ आपको शुरू के ही 1-1.5 महीने में मिलेगी, तो आपका कल्चर टाइम रिड्यूस हो जाएगा। आपको पता है कि जैसी आपकी मछली बड़ी होगी तो प्रोटीन कंटेंट भी आप कम कर देंगे, आपका पैसा सेव हो जाएगा।
प्रोटीन कंटेंट आपने कम किया, आपका पैसा सेव हुआ, दूसरा आपको कार्बन सोर्स भी नहीं ऐड करना पड़ेगा क्योंकि फीड में ही आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है। तो ये सारे मैनुपुलेशन कैलकुलेशन आपको एक कल्चर के बाद आ जाएंगे, तब आपको किसी प्रशांत गहलोत की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये डे टू डे टास्क हैं जो हम आपको ओवर द व्हाट्सएप कन्वे करेंगे। वो कब हम कन्वे कर पाएंगे? जब आप हमें वो ग्रोथ, बच्चे का ग्रोथ कैसा है और हमारे वाटर पैरामीटर कैसे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेके हम आपको वो राइट अप्रोच आपको देंगे। पर ये सब चीजें सिखाने का मेरा मतलब क्यों है आपको कि 6 से 8 महीने के बाद वो सारी चीजें आपके पास हैंडी हो, कि आप जब आप आगे कल्चर करें तो आपको पता है कि मैं मोलासिस डाल रहा हूँ तो क्यों डाल रहा हूँ, मैं एरिएशन डाल रहा हूँ तो क्यों डाल रहा हूँ, मैं नमक डाल रहा हूँ तो क्यों डाल रहा हूँ, मैंने प्रोबायोटिक का एफसीओ बनाया तो क्यों बनाया, फीड मैंने शुरू में ज्यादा दिया तो मैंने कोई नुकसान नहीं किया, अपना ही फायदा किया है, बाद में मैंने लो कॉस्ट प्रोटीन पे ले लिया तो तब भी मैंने अपना ही फायदा किया है। वो सब चीजें, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए और हमारे पास टचवुड क्लाइंट का कोई कमी नहीं है, पूरा वर्ल्ड हमारा क्लाइंट है, क्योंकि हमें दो ही लैंग्वेज बोलना आता है, एक हिंदी और एक इंग्लिश, जिससे हम अपने सभी क्लाइंट को कन्वे कर पाते हैं, चाहे वो फिलीपींस में बैठा हो, चाहे वो नेपाल में बैठा हो, चाहे वो सिंगापुर में बैठा हो, चाहे वो US में बैठा हो, चाहे वो हमारी यूपी के किसी गांव में बैठा हो। तो हमारा मेन फोकस यही है कि हम किसी को कोई चीज ना बेचें, हमारा मेन फोकस है कि वो अपना एक्वा कल्चर अच्छे से कर पाए, जो इंग्रेडिएंट उसके लोकल सोसाइटी में, उसकी किचन में अवेलेबल है। तो जो फीडिंग आपको देना है वो फीडिंग भी हम उसके हिसाब से बताएंगे कि वो 6% जाना है, 4% जाना है। जैसे तिलापिया है आपका, तिलापिया को आप शुरू में 20 से 12% का भी दे देंगे तो वो उतना भी खा जाता है, तो उससे क्या होगा कि आपका कल्चर टाइम कम हो जाएगा, पर आप उतनी ही फीड अगर IMC को दोगे, कॉमन कार्प को दोगे, तो वो नहीं खाएगी उतनी फीड, तो वो वेस्ट जाएगी आपकी। उसको 6%, 4%, 3% इतना ही उसका आइडियल है, क्योंकि वो एग्रेसिव फीडर नहीं है आपकी, पंगेशियस है। पंगेशियस को आप कितना भी फीड खिला दो वो खा जाएगी, क्योंकि वो एग्रेसिव फीडर है। तो ये सब चीजें आप अपने कल्चर में उनको समझोगे, और जो भी हमें फीड अपना बायोफ्लॉक में देना है वो सारा आपका फ्लोटिंग फीड ही जाएगा, और धीरे धीरे हमें कोशिश करनी है कि वो प्रोटीन फीड का कंटेंट हम 26 से 30% तक ले जाए। शुरू में अच्छा खिला दो उसको 1 महीना, फिर रिड्यूस कर दो, जिससे बाद में आपको कार्बन सोर्स भी ऐड करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि उसी फीड में आपको प्रोटीन भी मिल रहा है, उसी फीड में आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है, और उसी से आपका नाइट्रोजन भी बन रहा है। तो अगर प्रोटीन कंटेंट कम होगा तो कार्बन सोर्स बढ़ जाएगा, तो आपको एडिशनल वो बार बार मोलासेस, शुगर, जागरी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फर्दर क्या ऐड करना है, क्या ऐड नहीं करना है, वो सब पैरामीटर पर डिपेंड करेगा। तो जब जब आप मुझे व्हाट्सएप पर वीकली पैरामीटर देंगे, उसके अकॉर्डिंग मैं वो आपको काउंट करके बताऊंगा कि कितना किस हिसाब से डालना है। ठीक है सर। और कभी भी फ्लॉक को 40 ml से ऊपर नहीं ले जाना है, चाहे वो कितना भी हार्डी फिश हो। 15, 25, 30, 35 बहुत है, 40 तक नहीं ले जाने, अदरवाइज स्लज बनने लगेगा। अब है कि कुछ प्रॉब्लम तो फिर भी आएंगी आएंगी, जैसे अमोनिया, कि अमोनिया तो बनना ही बनना है, चाहे आप 24 घंटे में 4 बार पानी डाल दो, चाहे 6 बार पानी डाल दो। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो भी फीड दे रहे हैं, अगर अमोनिया बहुत ज्यादा बन गया है तो उस फीड को बंद कर दो। अगर हमारी रेंज में है तो अपने फीड को आधा कर दो,
और आप वहां पे कार्बन सोर्स को ऐड करो, अपनी एरिएशन को चेक करो जिससे हमारा बैक्टीरिया काम करे और वो नाइट्रोजन को वहां से कंज्यूम करे। आपका नाइट्राइट बहुत ज्यादा बन गया है, तो नाइट्राइट अगर ज्यादा बन गया है आप ऑक्सीजन चेक करो कि प्रॉपर ऑक्सीजन है हमारे पानी में। ऐसा तो नहीं कि रात को हमारा लाइट बंद हो गया था, 12 घंटे 14 घंटे हो गए कि हमारा जनरेटर ऑन करना ही भूल गया। स्लज अगर ज्यादा बन गया है, स्लज कैसे काउंट करेंगे आप अपना सस्पेंडेड सॉलिड देखेंगे कि 40 ml से ज्यादा तो नहीं जा रहा है, तो वो बैठ भी रहा होगा नीचे। बैठ रहा है तो मतलब वो डेड भी हो रहा है। एरिएशन का प्लेसमेंट चेक करो, ऐसा तो नहीं कि एयर ऑक्सी ट्यूब थी वो हमारी चोक हो गई है फ्लॉक लग लग के, तो उनको वीकली साफ कर दो जिससे वो अपना फ्लो करती रहे और अपना पानी में अच्छी मिक्सिंग करती रहे। सेलिनिटी का लेवल देखो कि जो हमारा इनिशियल सेलिनिटी लेवल था वो ही है या कम कर दिया है, ठीक है। अगर ठीक सर, आपका फ्लो लो है कि अब हमारा 2 हफ्ता 3 हफ्ता 4 हफ्ता 6 हफ्ता हो गया और अब भी हमारा फ्लॉक 5 ml 7 ml ही है, अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो फिर कार्बन सोर्स और प्रोबायोटिक। अभी हम FCO से कर रहे थे कल्चर, अगर फिर भी कम बन रहा है तो प्रोबायोटिक जो हमने लिया है उसको उसी क्वांटिटी में डाल दो और उसको 48 से 72 घंटे दे दो, तो हमारा फ्लॉक काउंट बढ़ जाएगा। अगर ठीक हमारा फ्लॉक बहुत ज्यादा बन गया है तो बहुत ज्यादा भी नुकसान है, तो क्या करेंगे कि हम उसको या तो फीड आप बंद कर दो, अगर आपकी तिलापिया वगैरह है तो वो सारा फ्लॉक खा जाएगा, पर अगर आपकी वो कॉमन कार्प है वो भी थोड़ा खाती है, पर आपकी बिग हेड और पंगेशियस नहीं खाती है, खाते ठीक। तो वो आपको ड्रेन करना है। ड्रेन कितना करना है, 1 से 10% तक, ये नहीं कि आधा टैंक आपने खाली कर दिया, क्योंकि नीचे का पानी सबसे पहले खींचेगा आपका सेंट्रल ड्रेन से और हमारा जो स्लज होगा वो भी नीचे ही होगा, तो ये नहीं कि आधा टैंक आपको खाली करना है, मुश्किल से 1 से 10%। अगर 10,000 लीटर का टैंक है तो 500 लीटर 1,000 लीटर तक का पानी आप निकाल दो तो सारा स्लज आपका क्लीन हो जाएगा, उतना ही फ्रेश वाटर डाल दो और उसी हिसाब से अपनी वाटर पैरामीटर देख के हम उसमें अपना कैल्शियम कार्बोनेट मोलासिस वो चीजें ऐड कर देंगे कि जिससे हमारा ठीक बना रहे। जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो आपकी ऑक्सीजन है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। वाटर पैरामीटर है उनको मेंटेन रखना है, भगवान भरोसे नहीं छोड़ना है। फ्लॉक को मेंटेन करके रखना है। अपने कल्चर में कोशिश करें कि अमोनिया ना हो, नाइट्राइट ना हो, क्योंकि दोनों ही किलिंग गैस है, तो जैसे हमारा टेन बना हमें टेन पर ही अपनी कैलकुलेशन शुरू करनी है, तो वो हम तभी कर पाएंगे जब हमारा काउंट ठीक होगा, ठीक है। ठीक टेम्परेचर सर, कंट्रोल टेक्निक्स हम लगा सकते हैं पर उससे हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ता है, ठीक है। और एक लिमिटेड ही हम अपना कंट्रोल कर सकते हैं, ये नहीं कि बाहर का टेम्परेचर 6 डिग्री होगा तो अंदर का टेम्परेचर 36 डिग्री होगा, बस हम नहीं उसको इतना कर सकते हैं कि वो 12 डिग्री या 15 डिग्री हो, और आपको पता है कि 12 डिग्री 15 डिग्री पे भी मछली को दिक्कत आनी है। 18 डिग्री से जैसे नीचे जाएगा पानी का टेम्परेचर, मतलब फार्मर के लिए खतरे की घंटी। तो आप इंसुलेशन शीट वगैरह लगा सकते हैं, यूवी प्रोटेक्टेड शीट लगा सकते हैं, पर वो तभी आप लगाएं अगर आपकी मार्केट में 400 रुपये 500 रुपये 600 रुपये किलो मछली बिक रही है, कि आप उनकी भी कॉस्टिंग को निकाल पाए। पॉलीकल्चर आप टनल वगैरह बना के कर सकते हैं अगर आपका बजट है आपके पास, पर वहां भी आपको मालूम है कि आप इतना टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो आपको एक सफिशियंट एनवायरनमेंट चाहिए उस पूरे एटमॉस्फेयर को गर्म करने के लिए। गर्म किया है तो वहां से आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड निकलने की भी फैसिलिटी होनी चाहिए,
अदरवाइज वहां मरने जैसी कंडीशन हो जाएगा। और बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे यूट्यूब पे, पर धीरे धीरे वो सब वीडियोस खत्म हो गए आने, क्योंकि सल्यूशन एक चीज है, उसकी वाइबिलिटी एक चीज है। तो सल्यूशन ऐसा होना चाहिए जो वाइबल होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। तो आज हमने बेसिक बेसिक सा अपना कवर किया। आगे वाले में जो हम कवर करेंगे, अब हम वो डिजीज कवर करेंगे, वो हमारा एक पूरा बड़ा टॉपिक है। तो एक सेशन मेरा और आपको दूंगा, और एक सेशन हम अपना होल्ड करेंगे जब हम अपनी वाटर प्रिपरेशन पे जाएंगे। तो कल का सेशन, कल मेरी कुछ फार्म विजिट है, तो कल का सेशन हम फिर मंडे करेंगे। ओके सर। उसमें हम जितने भी डिजीज वगैरह है उन सबको कवर करेंगे कि उनका क्या ट्रीटमेंट है, और वाकई ही हमें कमर्शियल प्रोडक्ट चाहिए उनको ट्रीट करने के लिए, या हम अपने DIY सॉल्यूशन से भी उनको ट्रीट कर सकते हैं। और आपको कुछ भी इश्यूज हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी कंसेप्ट में कहीं इश्यूज हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे डालिए। बात भी नहीं हो पाती तो मैं व्हाट्सएप पे आपको वो रिस्पॉन्ड करके आपका क्वेरी सॉल्व करूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग के टाइम पर नहीं आएंगी, पर धीरे 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 जब हम कल्चर करेंगे तो वो चीज़ें क्लियर आउट होंगी। तो एक ये है कि नेपाल में हमारा एक बड़ा सक्सेस स्टोरी होना चाहिए कि बायो फ्लॉक नहीं है, ठीक सर, उसको समझने का जरूरत है, और कोई ऐसा कमर्शियल प्रोडक्ट उसमें खरीदने की जरूरत फार्मर को है ही नहीं। जो सब उसके घर में है वो उन्हीं से कल्चर कर सकता है, पर वो समझे कि कितना एक लीटर में उसको यूज करना है, क्योंकि ज्यादा यूज करेगा तो नुकसान है, कम यूज करेगा तो नुकसान है। ठीक है, ठीक सर, ठीक। और जब भी आपको टाइम मिलता है तो आपके लिए हमने यहाँ पे N नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन रखी हुई है, उनको आप रेफर कर सकते हैं। सभी चीज़ें मिलेगी, पंगेशियस के रिगार्डिंग, मैगोट के रिगार्डिंग, ऑर्नामेंटल स्पेशीज के रिगार्डिंग, आपका BSF फार्मिंग के रिगार्डिंग, आपका फ्रेश वाटर स्पेशीज के रिगार्डिंग, होममेड फीड पे वनामी के लिए, DPR, जितना भी आपको चाहिए वो सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगा, और हम उसको एक सीक्वेंस में आपको देते हैं कि जब जो फार्मर को चाहिए वो इंफॉर्मेशन उसको मिले। ठीक है, ठीक सर। तो आज का इतना ही रखते हैं, फिर हम मंडे मिलेंगे। कुछ और आपको पूछना होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक सर, ठीक, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू, बाय सर।